मास्टर स्ट्रोक में अब बात मोदी सर की क्लास की। बिश्केक निकलने से पहले कल पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी। 3 तलाक विधेयक लाने से लेकर कई अहम मुद्दों पर फैसले हुए, लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कुछ खास टिप्स दिए हैं ताकि टारगेट टाइम के अंदर काम का निपटारा हो सके। आपको बताएं कि मोदी ने क्या क्या कहा अपने मंत्रियों से। उससे पहले इस खबर से जुड़ी आप 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने की परंपरा पर रोक लगाने की नसीहत दी है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। हर हाथ काम के तर्ज पर कैबिनेट मंत्रियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपना काम राज्य मंत्रियों के साथ बांटे। मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों के सभी सांसदों से लगातार संपर्क बनाए रखने का सुझाव दिया है। मंत्रियों को पीएम ने कहा, अपने राज्यों के सांसदों से विशेष तौर पर संपर्क में रहिए। देश का दिल जीतने के बाद पीएम मोदी सत्ता संभाल चुके हैं। मंत्रालयों के 100 दिनों का एजेंडा तय है, मैनिफेस्टो के 75 संकल्प भी हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार 2 की रक्षा, विदेश और कूटनीति फिर से परखी जाएगी। और इस काम को अंजाम देने के लिए पीएम मोदी ने बनाई है अपनी टीम ए। पीएम मोदी के बाद इस टीम का सबसे अनुभवी चेहरा है यूपी कैडर के 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर नृपेंद्र मिश्र, जो लगातार दूसरी बार पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। दूसरे नंबर पर है गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी टीके मिश्र, जिन्हें एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। और तीसरे नंबर पर है एयर स्ट्राइक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक में अहम भागीदारी निभाने वाले एनएसए अजीत डोभाल। ये तीनों चेहरे पीएम मोदी के भरोसेमंद और तेज तर्रार अधिकारी हैं। बड़े से बड़े फैसलों में इनकी राय अहमियत रखती है। नीतिगत फैसले लेने में राज्यों के साथ पीएमओ की कोऑर्डिनेशन का जिम्मा भी इन्हीं अधिकारियों के कंधे पर होगा। मोदी सरकार में ब्यूरोक्रेट रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, जो नृपेंद्र मिश्रा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से हर लिहाज से जूनियर थे। इसलिए मोदी सरकार ने अपने टीम ए के तीनों सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। लेकिन 130 करोड़ की आबादी सिर्फ 3 अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जरूरी है मंत्रालयों का एक साथ काम करना। इसीलिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को भी खास टिप्स दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने घर से काम करने की परंपरा पर रोक लगाने को कहा है। साथ ही मंत्रियों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से कहा गया है कि वो राज्य मंत्रियों के बीच भी मंत्रालय के काम का बंटवारा करें। मंत्री और राज्य मंत्री को अहम फैसलों पर एक साथ हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि टारगेट वक्त पर पूरा हो सके। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को सांसदों के संपर्क में बने रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्रियों को अपने अपने राज्यों के सांसदों के साथ बैठने का सुझाव दिया गया है। मंत्री यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर अमल करते हैं तो न सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन की गति को बढ़ोतरी मिलेगी, बल्कि सरकार और सांसद के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। तो आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को वक्त का पाबंद बनाने पर बहुत जोर दिया था। ऑफिस में कर्मचारियों के अटेंडेंस का तौर तरीका बदल दिया गया था और इस बार मोदी अपने मंत्रियों को वक्त का पाबंद होने का निर्देश दे रहे हैं। शायद ये इसलिए क्योंकि जब मंत्री समय पर आएंगे तो कर्मचारियों में भी इसका संदेश जाएगा। मास्टर स्ट्रोक, समय का करोगे सम्मान तभी दुनिया में होगा हिंदुस्तान का नाम।